आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा लाहौर के 100 साल पुराने नाश्ते जो पाकिस्तान के बनने से पहले के हैं, उसके साथ साथ 500 से 700 किलो की मैसिव चने का रश, उसके साथ आप देखोगे देसी घी का तड़का और देसी घी में बनी हुई हलवा पूरी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम टू द व्लॉग। उम्मीद है सब खैरियत होगी भाई। आज कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी नाश्ता फूड स्ट्रीट लाहौर को एक्सप्लोर करना। आज मैं पहुँचा हूँ सुबह सुबह अंदरून लाहौर, और आपको पता है अंदरून लाहौर की वाइब कितनी कमाल होती है सुबह के टाइम। दिन में उतना ही जो रश होता है और मुश्किल होती है। जो हम यहाँ पे चीज़ें ट्राई करने लगे हैं वो है भाई निहारी ट्राई करेंगे, उसके साथ मोटा चने और लाहौर के जाने पहचाने मशहूर चांद शाह की हलवा पूरी। ये भाई मैंने जो जगह ढूंढी है इंतहाई ऑथेंटिक, और मेरा दिल ही है कि मैं आपको इनकी मेकिंग चेक करवाऊँ और उसके साथ साथ जो हम खाने का एक्सपीरियंस भी करें। तो प्रॉपर जो है हैवी सीन जो लोकेशन आपको पता है मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। वे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना मोटा चने से। अच्छा भाई, ये है इनका किचन, मतलब यहाँ से जो है सारे चने बनते हैं और उसके बाद जो है इधर से नीचे जो पाइप जा रहा है ना उसमें ये डालते हैं, जहाँ पे नीचे लोगों को दिए जाते हैं। मैं भी आपको चेक करवाता हूँ यहाँ पे जहाँ बन रहे हैं चने और उसके साथ साथ जो है जो लोगों के लिए नीचे जिस पाइप के थ्रू जा रहे हैं ना वो जगह। अच्छा, ये जो है भाई तरी बनी हुई है यहाँ पर और जो चनों की मेकिंग है ना वो चल रही है इधर। साइज चेक करो आप इसका, मैसिव देग। और ये एक जो देग है ना हर 15-15 मिनट के बाद एक देग बनती है। अच्छा भाई, इसमें पहले चने उबाले हैं, उसके बाद इन्होंने तरी वगैरह, और ये डालें लाची वाला पानी। अच्छा भाई, यहाँ पे मेकिंग वगैरह जैसे चल रही है अभी आपको इंटरव्यू करवाते हैं उस्ताद मोदा साहब से, ताकि आपको पता लगे कि ये चीज़ स्टार्ट कैसे हुई है। उसके बाद इंशाल्लाह हम जाके इनके चने भी ट्राई करेंगे। फुल मैसिव सीन चल रहा है, हर 15-15 मिनट में एक बड़ी एक तो देग का साइज़ होता है ना। अभी हमसे मिलते हैं उस्ताद साहब से और आपको चेक करवाएँगे कि ये काम कैसे स्टार्ट हुआ। जो इतना यूनिक आइडिया है ना ये चनों वाला, ये उनके पास कैसे आया। तो भाई चलते हैं। किसके नाम पे उस्ताद मोता? उस्ताद मोता वैसे मेरा ही नाम है, मेरा नाम शफाकत अली है। अच्छा, प्यार से मोता नाम है। अच्छा, कब से स्टार्ट किया उस्ताद जी आपने? ये स्टार्ट किया मैंने तकरीबन 1993 से। माशाल्लाह, ये इसी जगह पे ही है तब से? हाँ जी, इधर इधर ही है। अच्छा, और ये मतलब कितना ये देगे आप बनती है माशाल्लाह से? ये इतवार को होते हैं 500 किलो। अच्छा, और रोजाना होते हैं 250 किलो। अच्छा अच्छा, रोजाना। और ये टाइम पे क्या हिसाब किताब होता है? टाइम सुबह 5 बजे से दोपहर 1-1.5 बजे तक। अच्छा, 1-1.5 बजे तक, माशाल्लाह जबरदस्त। और ये जो आपका हिसाब है ये आपने स्टार्ट से बनाया था इसका? ये नहीं, ये तकरीबन हो गए हैं दो साल हो गए। ये आपको कैसे जहन में ये चीज़? बस वो नीचे लेके जाने मुश्किल थे ना। अच्छा, तो ये थोड़ी आसानी हो गई। अच्छा अच्छा, जबरदस्त जी। और होता क्या क्या माशाल्लाह से आपके? चने हैं और साथ से नीचे वो चने ही है। अच्छा, दोनों में मुर्गी डालो, मुर्गी चने हो गए। अंडा डालो, अंडा चने हो गए। अच्छा, अंडा चने, आइटम एक ही है। अच्छा अच्छा, आइटम एक ही है ये शुरू से, मतलब आपने एक ही आइटम? हाँ जी, एक ही। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका, हमें टाइम दे रहे हैं सर। बहुत ये इसमें बाल्टी में डाल के इसमें डालते हैं? अच्छा, एक एक बाल्टी बनती है भाई। और यहाँ से ये सारा जो है चैनल बनाया हुआ है एक, जो कि नीचे की तरफ जाएगा। ये गए ऊपर से चने आते हैं ना वो इस साइड से होते हुए वो आते हैं इधर नीचे की तरफ। यहाँ अगर आप चेक कर सकते हो ये जो है चीज़ रिफिल होती है। अच्छा भाई, चने आ गए हमारे और ये जो हमने प्लेट करवाई है फुल चने की प्लेट, चिकन और साथ अंडा, और ये चने दही कमाल, और इनके चने भी उसी तरह से लग रहे हैं जो छोटा साइज़ होता है। और ये नान, नान जो है रोहरी नान है। स्पाइसी स्पाइसीनेस है, लेकिन जो
एक फील आ रही है जैसे यखनी टाइप की, वो इंतहाई कमाल, मतलब भाई बात ये हल्के यखनी का टेस्ट होना उस तरह से। चिकन ट्राई करते हैं हम इनका, चिकन कैसा है? सही गला है, मतलब एक जो प्रॉपर होना चाहिए ना चिकन को, जिस तरह से उस तरह की फील है। सात चने चिकन, चिकन में सही टेस्ट है, स्पाइसीनेस इसके अंदर फील हो रही है मुझे। जो चने हैं क्योंकि तरी डाल रहे थे और उसमें जो मसाले डाले हुए हैं ना, हल्की सी रेड चिली टाइप, लेकिन टेस्ट अंडे ही कमाल है भाई। एक मैसिव निवाला बनाते हैं इसका, अंडे के साथ और चने की तरी। अच्छा तो भाई जो नेक्स्ट चीज़ हम ट्राई करने लगे हैं, वो हम ट्राई करने लगे हैं चांद छाप हलवा पूड़ी, और मैंने सुना यहाँ पे मटन टिक्की देसी घी में मिलती है। तो भाई हम चलते हैं, इनकी मटन टिक्की भी ट्राई करते हैं और इनका हलवा पूड़ी भी ट्राई करेंगे। आपको चेक करवाता हूँ मैं कि कैसी है। ये किसके नाम पे अंकल जी शॉप? ये दादा के नाम पे। आपके दादा के नाम? चांद शाह। चांद जो है वो मेरे वालद साहब दादा का नाम था। दादा का नाम है। और शाहबुद्दीन मेरे वालद साहब का नाम था। माशाल्लाह। असल में दुकान का नाम चांद सिटी है। अच्छा, लेकिन वालद साहब के बाद मैंने दोनों नाम इकट्ठे कर दिए। अच्छा, आपने चेंज किए हैं दोनों नाम? माशाल्लाह। और कितना अर्सा हो गया आपकी शॉप को? ये तो तकरीबन 200 साल हो गए। अच्छा, दादा से काम शुरू किया है, तीसरी पीढ़ी जा रही है। तीसरी पीढ़ी जा रही है। और आप माशाल्लाह से कब से हैं आप? बस जब से होश संभाली की दुकान पे ही देखा है। टाइमिंग क्या है आपकी शॉप की? ये सुबह 9 से लेके 2 बजे तक। 2 बजे तक होती है और 7 दिन। संडे को तो 3 बजे थे। अच्छा भाई, ऑर्डर जो हमारा आ गया है, जो हमने चीज़ें मंगवाई है ना, एक हलवा पूड़ी मंगवाई है और साथ मीठा पूड़ा, और उसके साथ जो है इनकी देसी घी मटन पूड़ी मंगवाई है। तो सबसे पहले भाई हम स्टार्ट करते हैं मटन टिक्की, और चेक करो आप, ये इन्होंने इसके कट्स लगाए हुए हैं, इंतहाई क्रिस्पी। ये अगर जो ऊपर से ना टिक्की टूट रही है, मतलब ये फ्राई हुई है ना, यहाँ से पता लग रहा होगा आपको जितनी क्रिस्पी है। ट्राई करते हैं चांद शाह मटन टिक्की। इसके अंदर ना देसी घी की फील आती है, मटन से पहले जब आप तोड़ रहे हो ना तभी आपको वाइब आएगी देसी घी की। और जो इसकी टॉप इतनी क्रिस्पी है, जब आप इसको मुंह में बाइट लेते हो ना, ऐसी क्रंची सी एक वाइब आएगी। और जो फिलिंग है उसका टेस्ट, मतलब स्पाइसी भी नहीं है, साबुत मसाला और ग्रीन चिली हल्की सी फील होगी, लेकिन मटन का टेस्ट एक प्रॉपर जो स्पेशलिटी देसी घी वाली है ना, वो चीज़ मिलती है आपको भाई इनके मटन टिक्की में। कम ऑन, अब ट्राई करते हैं भाई हलवा पूड़ी। हाँ, ये आगे भाई पूड़ी ये है इनकी आटे वाली, साथ हलवा। और हलवे में आप चेक करो भाई, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ बादाम जो है डाले हैं। ये पहला हलवा मैंने देखा लाहौर के अंदर जिसके अंदर जो है बादाम नज़र आए मुझे। बादाम भी लेंगे इसके साथ प्रॉपर, इस साथ हैं भाई चने। चांद शाह हलवा पूरी, जो चने वो स्पाइसी हैं, क्योंकि ये मैं चने ऊपर से गाया ना तो हल्की स्पाइसी फील आई है। नहीं, जो हलवा है वो प्रॉपर जो देसी घी होता है ना, प्रॉपर उसकी फील दे रहा है, प्रॉपर देसी घी।
यह है भाई साथ इनके मीठा पूरा जो बना, इसकी भी साइड्स क्रिस्पी, सर हर हलवा पूरी वालों में मिल जाती है आपको। इसको भी तोड़ते हैं हम, क्योंकि वैसे ही मीठा होता है, इसको पहले हम खाली टेस्ट करते हैं। उसका खाने का अपना ही वाइब होती है, उसकी वजह यह जैसे साइड जो होती हैं वो इतनी क्रंची, और जो इसका मिडल पार्ट है इन तेज सॉफ्ट, ये बड़ी डिफरेंट वाइब देती है आपको। कमाल, अनबीटेबल टेस्ट है, कमाल। ट्राई करने लगे हैं वो है निहारी, और निहारी का सीन इस तरह से है कि हम थोड़ा सा जो है जल्दी आ गए, तो मैंने सोचा शायद जल्दी स्टार्ट होती है, लेकिन ये स्टार्ट होती है भाई सुबह 6 बजे। तो सीन इस तरह से ही है कि बाहर निहारी वगैरह लग रही है और साथ रोटियां, और नाम जो है ना बड़ा सुना है हमने। अब हम ट्राई करते हैं कि टेस्ट कैसा है, और मैं जो आपको चेक कराता हूँ। क्या क्या है आपके पास? हमारे पास नली भी है, हमारे पास मगज भी है, हमारे अच्छा। पास देसी घी का तड़का भी है। अच्छा, देसी घी तड़का। अच्छा, आपके मगज नली दोनों होती हैं? दोनों होते हैं। ठीक हो गया, आपने एक हमारी बनानी है नली वाली। चलें जी, बनाएं कल ये हमारी भी। अच्छा, यहाँ पे जो है भाई सारे लग रही, ये निहारी और ये सीन है यहाँ पे तड़के वगैरह का। यार मैं चेक कराता हूँ आपको भाई, अभी ये सामने जो है भाई नलियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं फुल फ्रेश। ऊपर यह मसाला। और अंकल जी ये टाइमिंग अभी बता दें आपकी, सुबह की 6 बजे से लेकर 3 बजे तक होती है। अच्छा, दोपहर 3 बजे तक। और पूरे 7 दिन इतवार वगैरह छुट्टी तो नहीं है? छुट्टी हमारी सिर्फ बुध की होती है। बुध की छुट्टी होती है, को जो है वो राज जाता। अच्छा, और ये जो नाम है आपका हाजी साहब, ये हाँ जी हाँ जी, ये मतलब किसके नाम पे स्टार्ट हुई है? बड़े अच्छा अच्छा से आए थे। अच्छा, 1947 से पहले। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा बैठेगी, जबरदस्त। अच्छा, तो भाई हमारी निहारी जो है आ गई है। ये इसके साथ जो मुलाजमात होते हैं नींबू मिर्च, और उसके साथ है जो भाई ये नली वाली निहारी। पहले थोड़ा सा जो हम ये डालते हैं इसके ऊपर, नींबू का साइज़ भी इनका थोड़ा बड़ा है, फार में नींबू। और चेक करें ये गरम गरम नान फुल, आज बिल्कुल जो ओपनिंग हुई है ना हाजी साहब की, तब पहुँचे हैं भाई हम, तो फुल फ्रेश जो है सबसे पहले भाई खाली। जो इनकी जो ग्रेवी है जो निहारी की, वो ये थोड़ी सी थिक लग रही है टेक्सचर वाइज, और इंतहाई रेडिश जो होते हैं ना वो वाली प्रॉपर, ये टक्कर वाली चीज़ है भाई जो वारिस निहारी है ना उससे। सबसे पहले ग्रेवी ट्राई करेंगे हाजी साहब निहारी। भाई जो तड़का लगाया ना इन्होंने प्रॉपर देसी घी का, मतलब फील आ रही है मुझे देसी घी की पहले ही, और वाकई में हल्की सी स्पाइसी फील हो रही है मुझे। अब चेक करते हैं बोटी इनकी, थोड़ी सी क्लोज करें। भाई इंतहाई ज़बरदस्त गला है, गोश्त तो भाई बड़ा फिट है। ये आ गई हमारी साथ नली, ये भाई प्रॉपर। गोश्त इतना टेंडर है, मतलब उसके अंदर ना कोई भी हीक नहीं आ रही, दही ज़बरदस्त गोश्त गला हुआ है और कोई भी हीक नहीं है, मतलब बिल्कुल फिट किस्म का। जो सही कंपैरिजन इसका बनता है ना वो प्रॉपर वारिस के साथ बनता है, जिस तरह से टेंडरनेस है मीट के अंदर और
जो टेस्ट आ रहा है ना वो नली का। हाँ जी सर, नहीं आ रही। अच्छा भाई, हमने निहारी खा ली, इंतहाई ज़बरदस्त सा एक्सपीरियंस। अगर मैं आपको बताऊँ ना, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है कि इनकी वारिस से ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे निहारी। फुल हैवी सी है। अच्छा तो भाई, यह है गिव अवे अनाउंसमेंट। अगर आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो भाई आप पाकिस्तानी फूड कमेंट करना है, वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना मस्ट है, लाइक सब्सक्राइब के साथ, तभी आप इसमें जो है भाई पार्टिसिपेट कर सकोगे।